मर्जियों पे अब हम चले। नंदिनी और उसका भाई अर्जुन, ये दोनों मिलके ना राघु सबको फंसा रहे हैं, सबको। पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भी तो हम खुद नहीं जानते, पर हम ये चीज जरूर जानते हैं कि सैम और अर्जुन की शादी के बाद इन दोनों का कुछ तो प्लान है। और हां, दुकान जलने के पीछे उस नंदिनी का हाथ है। हाँ राधु, उस नंदिनी का हाथ। बोलो। सैम, आई नो दिस इज ऑकवर्ड, बट ट्रस्ट मी, तुम्हें फंसने से बचाना चाहती हूं। हो सके तो बच लो। मतलब? Okay, guys. Finally, the moment has come, जिसका हम सबको इंतजार था, सैम और अर्जुन का परफॉर्मेंस। सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। ये नंदिनी और उसका भाई अर्जुन, ये दोनों मिलके ना राघु सबको फंसा रहे हैं। तुम्हारे अर्जुन सर ने ऋषिकेश में सारा बंदोबस्त कर दिया। मैंने आप में भगवान की सूरत भी देख ली, अब मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। सैम और अर्जुन की शादी के बाद इन दोनों का कुछ तो प्लान है, ये दोनों मिलके ना राघु अब मुझे अपने भगवान पर फंसा रहे। पूरा विश्वास है, इन दोनों का कुछ तो प्लान है। राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका, सैम को बचा लो, अर्जुन उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। शी डजंट इवन नो इट। मैंने तो बहुत कोशिश की सैम को वार्न करने की, पर वो अर्जुन के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? अपनी नजरों पे तो है। ये देखो, अर्जुन मुझसे प्यार करता था और आज भी करता है। सैम से वो सिर्फ नफरत करता है। लुक राधिका, मैं नहीं जानती कि अर्जुन सैम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कुछ तो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट प्लीज प्लीज सैम को बचा लो। प्लीज राधिका, कुछ करो, ओनली यू कैन सेव हर। राधिका, इधर आओ। क्या बात है राधिका, ये
इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप बताइए हो क्या रहा है? मतलब? मतलब आप बहुत अच्छे से जानती हैं क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हम सबके साथ। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन सर का बॉनी के साथ सच में चक्कर चल रहा था ना? और आपने ही सरल को शादी के लिए उकसाया। मुझे सब पता चल चुका है, सब कुछ। तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? ये सब नाटक मेरे सामने मत कीजिए नन्दी दी। मुझे सच बताइए कि आपने ये सब क्यों किया है। राधिका तुम हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अर्जुन ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, ऐसे क्यों बोल रही हो? बोलो। आप बोलिए आपने क्यों किया ये सब नन्दी दी। ऋषिकेश में हमारी दुकान में आग लगवा दी। बकवास मत करो राधिका। नंदू के बारे में ना अर्जुन, तुमने हमेशा इसका साथ दिया, इसका सपोर्ट किया और आज ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। इल्जाम नहीं लगा रही हूं नन्नी दी, सच बता रही हूं। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और आप? भगवान मारा था मैंने आपको सर, पैर छुए थे आपके, लेकिन आप तो राक्षस निकले, मेरी ही दोस्त को खाने चले थे। बताइए सर, आप और आपकी बहन क्या चाहते हैं हमसे? क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? क्यों आप इस तरह से सैम के पीछे पड़े हुए हैं? बताइए सर, हमारी दुकान में आग क्यों लगवाई? कुछ नहीं कहेंगे ना आप सर? ठीक है, अब जो कहना है सैम के सामने कहिएगा। मैं पहले भी सैम को आपसे बचा चुकी हूं और इस बार भी बचा लूंगी। तुम्हें क्या लगता है राधिका, तुम ये सब जाकर सैम से कहोगी और वो तुम्हारी बात मान लेगी बिना किसी सबूत के? समायरा प्यार करती है अर्जुन से और विश्वास मुझ पर करती है नन्दी दी। और आज मेरा विश्वास ही सैम का सबूत बनेगा। राधिका, अर्जुन सर और नन्नी दी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन सर तुमसे प्यार नहीं करते, उनका कोई और प्लान है। सैम वो लोग अच्छे नहीं है। सैम ये सब मिली भगत है, ये राधिका और उसका परिवार। दादू हर बार अपने मगरमच्छ के आंसू अर्जुन को ही क्यों दिखाती है? दादू दोस्त तुम्हारी है या अर्जुन की?
प्लीज अपनी शादी तोड़ दो। सैमी? नहीं नहीं, आज हमारे बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बात सिर्फ राधिका और मेरे बीच है, हमारी दोस्ती के बीच है। दोस्ती तो मेरी सैमी भरोसा किया था तुम पर, मेरे भरोसे के बदले तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा? ये धोखा ही तो है ना राधिका। जिन हाथों ने तुम्हें सहारा दिया उन्हीं हाथों की मेहंदी हटाने पे तुली हुई हो। साहब बस बहुत बोल चुकी हो, जितना सुनना था सुन लिया, जो देखना था देख लिया। साहब तुम नहीं जानते हो कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहता है मुझे सब कुछ पता है राधिका। नंदिनी दी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नंदिनी दी ने मुझे बताया कि आज तुम कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करोगी। एक बार फिर मेरे और अर्जुन का रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। क्यों राधिका, क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हो? क्यों मेरे अर्जुन के पीछे पड़ी हो? शर्म नहीं आई तुम्हें अपने दोस्त के प्यार को ऐसे फंसाते हो? सैम, मैं अर्जुन सर, तुम ये क्या बोल रहे हो सैम? ये झूठ है। really? ये झूठ है तो फिर सच क्या है राधिका? सच ये है सैम कि अर्जुन सर नन्नी दी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन सर तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। और ये सब मैं मान लू क्योंकि तुम मुझे कह रही हो। भरोसा कर ली तुम पर? मत करो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन कोई और कहेगा तो विश्वास होगा ना तुम्हें? सरल, तुम सैम को सच क्यों नहीं बताते? बताओ ना क्या हुआ है। राधु कौन सा सच बताए? तुम्हारा और अर्जुन का सच बताए या फिर? सरल, तुमने मुझे अभी तो बताया था कि नन्नी दी ने हमारी दुकान में आग लगवाई है। मैंने? अरे मैं क्यों जलाऊंगी तुम्हारी दुकान? ये लड़की कुछ भी बोलती रहती है। अर्जुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राधिका कहानियां बनाना बंद करो प्लीज। सर मैं कहानियां नहीं बना रही हूं, मैं सच बता रही हूं। इन्होंने हमारी दुकान में आग लगवाई थी। अंकुश भैया, पापा ने आपको कहा था ना कि दुकान में आग लगने का कारण नहीं पता चला है? छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी पापा ऋषिकेश पहुंचे और इंक्वायरी की रिपोर्ट उनको मिली है। साथ वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से हमारी दुकान में आग लगी। किसी ने आग नहीं लगवाई है। लेकिन भैया सरल ने तो है। हमने दुकान जलने की बात कब की थी? हम तो यहाँ पर सैम को सावधान करने आए थे, बस और कुछ नहीं।
छोटी ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ आंटी, राधिका अर्जुन को चाहती है। राधिका अर्जुन को मुझसे दूर रखना चाहती है। मेरा और अर्जुन का प्यार इससे देखा नहीं गया, मेरी खुशियां उससे देखी नहीं गई। सैम ये सब झूठ है। अच्छा? सैम ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है। सैम मैंने तुम्हें कहा था ना कि अर्जुन सर और बॉनी के बीच कुछ चल रहा है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, खुद बॉनी से पूछो। बॉनी तुम सैम को क्यों नहीं बता दी कि सच क्या है? प्लीज बॉनी सैम को सब कुछ सच सच बता दो। तुमने ही तो अपने फोन में वो मुझे फोटोग्राफ दिखाई थी। बॉनी घबराओ नहीं, प्लीज उसको सब सच बता दो। मैंने तो तुमसे सिर्फ ये कहा था कि अर्जुन से दूर हो जाओ। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है सैम, तुमसे सच में प्यार करता है। उस रात जब वो मेरे घर आया था तो वो सच में तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आया था। राधिका जानती थी सब कुछ बट फिर भी उसने तुम्हें कुछ और ही बताया। राधिका तुम्हें और अर्जुन को तोड़ना चाहती है। दोस्ती का बहाना बनाकर तुम्हारे ही नाक के नीचे से तुम्हारे प्यार को छीनना चाहती है। राधिका मैंने तुम्हें तब भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, सैम बहुत अच्छी लड़की है, शी इज योर ट्रू फ्रेंड। फिर भी तुम अर्जुन, तुम्हें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था राधिका। इतना बड़ा झूठ या इतना बड़ा सच? मन मर्जियों पे अब हम चले।